हम लोग ओवरटेकिंग कर चुके हैं, राइट। अब अगर क्रॉसिंग की बात करें तो देखो यहां भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वी आर डूइंग दिस क्वेश्चंस यूजिंग वेरी मच बेसिक्स, राइट, क्योंकि आपको आपका थॉट डेवलप करना है कि कैसे क्वेश्चंस के बारे में सोच के कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो इन क्वेश्चंस को करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। बट वो कॉन्सेप्ट समझने के पहले आपके दिमाग में इन कॉन्सेप्ट्स का अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसीलिए हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉसिंग पे, राइट। सो नाउ द पॉइंट इज कि सपोज कर लो आपके पास ये कोई सड़क है और इस सड़क पे एक बंदा यहां पे ड्राइव करता हुआ जा रहा है। दिस पॉइंट इज योर रेफरेंस पॉइंट, दैट इज ए, एंड ही इज गोइंग बाय 10 meter per second, 10 मीटर पर सेकेंड की उसका स्पीड है और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ही इज क्रॉसिंग दिस पॉइंट बाय दिस, और यहां पे कोई बॉडी है, ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट बी है, और यहां से कोई बॉडी ऐसे गुजर रही है एंड उसका अपना स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, वो इधर की तरफ जा रही है, और ए और बी के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो सेपरेशन है ए और बी का, ये है 250 meter। हाउ मच? 250 meter। हम इसको थोड़ा सोच भी सकते हैं, जस्ट ए मिनट रुको, ये इनके बीच के सेपरेशन को हम लोग डाटा ऐसे लिख रहे हैं 216 meter, ये 216 meter का इनके बीच का सेपरेशन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, और जब वो क्रॉस करेंगे तो बताओ ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, बी ने उसमें से कितना ट्रेवल किया, या ए की स्पीड क्या थी और बी का स्पीड क्या था, ये क्वेश्चन हो सकता है। लाइक अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने यहाँ डायग्राम पहले बना दिया और अब कह रहे हैं कि लाइक ए एंड बी आर मूविंग एज शोन, एज शोन, ठीक है जी। इफ बॉडीज आर मूविंग, ए एंड बी तो रेफरेंस पॉइंट था, बॉडीज आर मूविंग एज शोन, इफ सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी is 216 meters है, then find, let's suppose इस body का नाम मैं P रखता हूँ और इस body का नाम Q रखता हूँ, so then when P and Q will cross each other, P and Q will cross each other, also find their velocity, their velocities at the time of crossing, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ कैसे करोगे आप, डू इट नाउ। सी गाइस, कैसे हम लोग कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, इट इज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। मान लो क्योंकि ये तो अभी सेम टाइम पे है, दोनों का ये स्टार्टिंग, इसका टाइम यहाँ पे, इसका टाइम यहाँ पे, यानी कि ये भी टी इज इक्वल टू जीरो का स्टेज है और ये भी टी इज इक्वल टू जीरो का स्टेट है, यस रहा है ना। तो अब क्या हुआ कि ये यहां से चला, ये यहां से चला और कैसे क्रॉस करेगा, तो भाई यहां से चलने पे टाइम, ये टाइम जीरो मान लिया और ये जो क्रॉस हुआ ये टाइम क्या मान लिया, टी। तो टाइम टेकन इन क्रॉसिंग लेट टी इज द टाइम टेकन फॉर क्रॉसिंग, राइट। अब इस केस में क्या होगा, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से ए ने और बी ने जो ट्रेवल किया, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 216 meter, राइट। तो ये ए से का कितना होगा, तो यू विल से दैट 5 ut, दैट इज इसके पास इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, सो दैट इज 10 into t + 1/2, 5 into t का स्क्वायर, और b कितना है भाई, सो दिस इज यू विल से 5 into t
प्लस वन बाई टू इंटू टू इंटू टी स्क्वायर एन इज इक्वल टू 216। दैट्स ऑल। तो अब आप यहां क्या देख रहे हो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो गया 15t आ गया, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो गया 1 by 2 t square 5 plus 2 and that is equal to 216. So you are saying 15t plus t square by 2 or into 7 is equal to 216. So 15t plus 7t square by 2 is equal to 216. देखो 216 कहना था, लिख दिया 126. Is that okay now? तो अब ये क्या है आपके पास 7t square और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होकर के 30t बन गया और ये t फिर उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 432. सो 7t स्क्वायर प्लस 30t माइनस 432 इज इक्वल टू 0. इज दैट ओके नाउ? अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आप क्वाड्रेटिक यूज कर लिया, दिस t इज इक्वल टू व्हाट माइनस 30 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर 900 माइनस 4 एसी करने जाओगे सो 4 7 और ये कितना बेटा माइनस है तो ये यहाँ क्या आ गया प्लस 432 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 7. सो दिस टी इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस माइनस अब 900 और ये देखो कितना होगा 4 एंड दिस 16 एंड 17 28 इनटू 7 अपॉन 2 इनटू 7. तो ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये टोटल वैल्यू 30 से क्या होगी ज्यादा होगी, राइट? तो यहां पे आप टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता सिंस टी कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर टी इज इक्वल टू यू राइट 900 प्लस ओ 900 प्लस दिस इज 7 एट जा 56 राइट और 7 टू जा 14 प्लस 5 19 7 7 जा 49 और 1 50 का 0 एंड दिस इज 7 and 512 and this minus 30 divided by 40. Is that okay now? So this comes out now 12996 minus 30 divided by 40. Okay, right. अब आप इसको solve करोगे तो जो ये result निकल के आएगा this comes out 94 के करीब. ये क्या है 114 आएगा, इसका रूट कितना आएगा 114. सो 114 माइनस 30 डिवाइड बाय सो दिस इज 84 बाय 14 दैट कम्स आउट 6. सो टी इज इक्वल टू 6 सेकंड. इज दैट ओके? समझ में आई बात है? तो अब ये कैलकुलेशन में जो लग जाए टाइम लग जाए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो बस इतना सा है, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा ही नहीं होता है कि भाई आप यहां से आप आपका फ्रेंड चल रहा है आप वहां से चल रहे हो दोनों अभी एक टाइम पे कि चलो एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो आपने कितना चला इतना टाइम इसने भी कितना चला इतना ही टाइम तो टाइम ऑफ मोशन तो दोनों के लिए क्या हो गया सेम ही हो गया. सो दैट इज व्हाट वी हैव डन इट. इज दैट ओके और नॉट? पूछना किसी को तुमको समझ में आया नहीं है भाई? कहां तक कर रखे तुम? यहां तक. रियली? ओ वेरी गुड. So, अब इस केस में अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना है भाई? या ये भी पूछा है कि उन्होंने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये तो टाइम मालूम हो गया 6 सेकंड. सो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो एसे कितना होगा. सो एसे इज इक्वल टू नाउ ये देखो 10 इंटू 6 दैट इज 60 और ये क्या हो 6 का स्क्वायर 36 36 इंटू 5 180 180 बाई 2 दैट इज 90 यानी कि 150 मीटर ये ट्रेवल किया. तो बताओ 216 में से 150 उसने ट्रेवल कर लिया तो दूसरे ने कितना ट्रेवल किया भैया 66 मीटर. ये इसका हो गया एस बी हो गया राइट. और वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है तो यू प्लस एटी के हिसाब से चलोगे तो यू कितना है 10 एंड एक्सेलरेशन कितना 5 और इंटू 6 दैट इज 30 प्लस 10 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड. ये किसका वेलोसिटी हुआ ए का. और बी का अगर निकाले तो ये क्या होगी भाई वहां पे कितना है 5 एंड एक्सेलरेशन 2 इंटू 6 सो दैट इज 12 प्लस 5 दैट इज 17 मीटर पर सेकेंड. ठीक है अब जाके ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन पूरी तरीके से. ऑल राइट नाउ देयर टू ट्रेन्स लाइक टू ट्रेन्स ईच ऑफ 150 मीटर लेंथ 150 मीटर लेंथ दोनों 150 मीटर लेंथ के मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर moving
towards each other on parallel track. Train A has velocity of 10 meter per second and acceleration of 2 meter per second square. An acceleration of 2 meter per second square. यहां लिख दिया constant. ये acceleration constant. And train B moves with constant velocity at the rate of 5 meter per second. Right. If separation between drivers of each train is 4000 meter, matlab 4 kilometer, 4000 meters, then find in how much time guard of each train time guards will cross each other. Right. दोनों ट्रेन की लेंथ दे रखी है, वो 150 मीटर की. तो आपको ना इस क्वेश्चन में हो सकता है कि मैथमेटिकल थोड़ी प्रॉब्लम हो, डाटा ऐसा दे रखा है तो, बट आप करो क्वेश्चन. सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वाइज लुक एट दिस. अब यहां बात क्या है कि कब हम कहेंगे कि वो ड्राइवर, ये दोनों ड्राइवर के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर, दैट इज 4000 मीटर, राइट. और कब एक दूसरे को पास करते हुए माने जाएंगे, जब इसका गार्ड इसके गार्ड को बाय बाय करेगा, राइट. अब तुम्हारी दिक्कत ये है कि सर आप तो हमें जो पढ़ाए हो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए स्क्वायर, या जो कुछ भी फॉर्मूला आपने पढ़ाया है, आपने पॉइंट बॉडी के लिए पढ़ाया है या लॉन्गर बॉडी के लिए पढ़ाया है. तो भाई जो लॉन्गर बॉडी है, या कार है, या मोटरसाइकिल है, या तुम हो, या कुछ भी हो, हम उनको क्या कर लेते हैं, पॉइंट बॉडी मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं, पॉइंट बॉडी मान लेते हैं. क्योंकि किसी भी टाइम पे इस ट्रेन की अगर रफ्तार चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हर पॉइंट का रफ्तार सेम होगा. अगर ट्रेन का एक्सेलरेशन जो है वही हर पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा, तो इस पूरे ट्रेन को हम एक पॉइंट मान लेंगे और इस पूरे ट्रेन को हम एक दूसरा पॉइंट मान लेंगे. तो कायदे से देखा जाए इस क्वेश्चन में, तो हमसे क्या कहा जा रहा है, ये 4000 है, बट इस गार्ड और इस गार्ड के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना बेटा, इस गार्ड और इस गार्ड के बीच का सेपरेशन बताओ कितना है, 4300, राइट. सो बेसिकली दो पॉइंट बॉडी है, कितने डिस्टेंस पे, 4.3 किलोमीटर पे, 4300 मीटर पे, राइट. और वो एक उसमें से ये कुछ ट्रेवल करेगा, कुछ ये ट्रेवल करेगा, और फिर क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग हो जाएगी. तो बस वही कॉन्सेप्ट ले लेना है. तो मान लो कि इस वाले ट्रेन वन की बात करें, ST1 फॉर ट्रेन वन, तो उसने उसके पास क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और उसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आप कहोगे 10 और इनटू टाइम टी, 1/2 एक्सेलरेशन 2 और इनटू टी स्क्वायर. और ST2 कितना हुआ जी, वो तो कांस्टेंट स्पीड से ही जा रहा है, कितने से, 5 से, सो 5 इनटू टी. अब ये ST1 प्लस ST2 दैट शुड बी इक्वल टू 4300. तो आप इन दोनों को ऐड करो, तो आप यहां लिख रहे हो 5t और यहां क्या लिख रहे हो, 10t, और ये सॉल्व किया तो क्या आ गया, टी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 4300. तो आप कायदे से देखो ये क्या है, 15t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4300. अब ना आंसर को गेस किया जा सकता है, जरा गौर से देखो. अगर मैं 50 मानता हूं टाइम, टी को कितना मानता हूं, 50 सेकेंड, 10 मानता हूं, तो 10 का स्क्वायर 100 और ये तो 250 आएगा, तो इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा होना चाहिए टी. तो आप 20, 30, 40, 50, 50 पे सोचते हो, तो 50 का स्क्वायर 2500 और ये 50 इंटू
15 करते हो तो 750 आ रहा है, तो ये तो 2750 3250 आया, अभी भी इसके बराबर नहीं आया। 60 की बात करोगे तो 60 का स्क्वायर 3600 एंड 60 × 15 900 यानी कि 4500, यानी कि ये 60 से थोड़ा कम होना चाहिए। जरूर के नाउ यस सर, तो हिडन ट्रायल से बात समझ में आई कि 60 के आसपास कहीं आंसर होगा, आसपास मतलब 60 से आगे नहीं, 58-59 ऐसा कुछ होना चाहिए। सो अब यहां से आप सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 15t माइनस 4300 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। इज दैट ओके? तो मुझे लगता है कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करके मैं आपको रूट में जाकर के सॉल्व करना होगा, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, और आप यहां से ही क्या करें अप्रोक्सीमेशन कर दें तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? मतलब आपने देखा कि ये 4500 बन रहा है कब, 60 पे। यस, आपको 200 मीटर कम चाहिए। कितना मीटर कम चाहिए? 200 मीटर कम चाहिए। तो अगर मैं इसको 59 करूं, क्या करूं, 59, तो 59 का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर 3600, तो 59 का स्क्वायर और 58 का स्क्वायर कितना होगा, तो जो 60 का स्क्वायर 3600, 58 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3600 प्लस 4 माइनस 120 × 2 240। सो 240, 3600 में से 240 माइनस करेंगे, 3600 में से 240 माइनस करेंगे, सो दैट विल कम आउट 3360, यानी कि 3364 के करीब आएगा। तो ये 3364 के करीब आएगा, राइट? और इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब दिस इज हाउ समवेयर 58 और 59 के बीच का आंसर कुछ होना चाहिए। सो यू हैव अंडरस्टूड नाउ? तो अब यहां क्या कर सकते हो, टी इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस माइनस अंडर रूट 225 एंड प्लस 4 इंटू 1 इंटू 4300 एंड दिस डिवाइडेड बाय 2। टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, और ये वाला बड़ा वैल्यू आएगा इससे, तो आप लिखोगे 225 प्लस 4 इंटू 4300 दिस माइनस 15 अपॉन 2। टी इज अप्रोक्सीमेटली 58 और 59 के बीच में। अब ये आप रूट कैलकुलेट करके निकाल दोगे, राइट? 58-59। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी डन। तो आप देखो, ये ट्रेन की लेंथ को हमने क्या कर लिया, इसमें कंसिडर कर लिया। समझ में आया ना क्यों किया? क्योंकि भाई गार्ड को गार्ड के साथ क्रॉसिंग करनी थी। अब अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए, इस ड्राइवर को इस गार्ड के साथ ओवर क्रॉस करना है, तो आपको ये 150 नहीं लेना पड़ेगा। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, राइट? यस सर। सो दैट्स ऑल। चलो अगले क्वेश्चन तो करते, जल्दी करो।